1 जनवरी 2019 को 149 साल बाद बन रहा महायोग इस तरह सभी के जीवन में आएगा उतार चढ़ाव। नवंबर वर्ष का प्रारंभ मंगलवार एकादशी तिथि स्वाति नक्षत्र घृति योग में होगा। नव वर्ष की शुरुआत में सर्वार्थ सिद्धि जैमिनी और केदार योग बनेंगे। सूर्योदय धनु लग्न के स्वाति नक्षत्र में राहु की महादशा में होगा। साथ ही मंगलवार मीन राशि में उदय होंगे और पूरे साल मार्गीय रहेंगे। पंडितादित्य पांडेय और दीपक पांडेय ने बताया कि नए वर्ष की शुरुआत में शुक्रवार व चंद्रमा एक साथ रहने से जैमिनी योग बन रहा है, जबकि सभी ग्रहों के चारों स्थानों पर रहने से केदार योग का शुभ और श्रेष्ठ योग भी बनेगा। नववर्ष के शुभारंभ पर 1 जनवरी को शुक्ला एकादशी व स्वाति नक्षत्र विद्यमान रहेगा। यह सुख समृद्धि व आर्थिक उन्नति के प्रतीक है। शनि भी स्वाति नक्षत्र में उच्च का होकर शुभ फल प्रदान करता है। आचार्य सत्येंद्र अग्निहोत्री के अनुसार वर्ष 2019 में एक बड़ा महासंयोग भी बन रहा है, जो इससे पूर्व वर्ष 1870 में बना था। नए साल में धनु राशि पर शनि व केतु की युति बन रही है, जो इससे पूर्व 1870 में बनी थी। इस संयोग में कई घटनाएं घटित हुई थीं, जिससे बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था। अब धनु राशि पर शनि व केतु युति का महासंयोग आगामी वर्ष 2076 में बनेगा। मंगलवार से शुरुआत और मंगलवार को ही समापन वर्ष 2019 में मंगलवार का भी विशेष संयोग रहेगा। नए साल की शुरुआत मंगलवार को हो रही है और समापन भी मंगलवार को ही होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार में शिवम वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगलवार ऊर्जा का प्रतीक और सूर्य चंद्रमा व बृहस्पति का मित्र है। इनको होगा विशेष लाभ। आचार्य राजेश शर्मा के अनुसार नए साल 2019 का कुल जोड़ 12 होता है, जिसका मूलांक अंक 3 है। गुरुवार प्रधान अंक 3 का निर्माण कर रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि जिसकी जन्मतिथि 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21 व 30 है, उन्हें विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है।